Hi everyone, welcome to Brewdent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCA 4 की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक विच हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 15. दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वीडियो में वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी 1991 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं. उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनको डिस्कस करेंगे, क्या सैलियंट फीचर्स है और क्या क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फेस करनी पड़ी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, तो प्लीज पे अटेंशन और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा. पार्ट वन जो था वो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 से रिलेटेड था. जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट देम कि पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो के पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझ में आए. क्योंकि जो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाली है, ये बेसिकली अपग्रेडेशन है आपका पुरानी पॉलिसी का. तो जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहली बनाई गई थी 1948 में, उसको अपग्रेड करके 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया. उसके बाद में जैसे ही हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, जब LPG का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ, तो बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़े इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली फेस कर सकें ग्लोबल कंपटीशन को. ठीक है, तो बेसिकली एक अपग्रेडेड मॉडल है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. किसका? आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 वाला. तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. मिशन हमारा है 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम. वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर टेलीग्राम पे है. इस पे मैं इंपॉर्टेंट PDFs देता हूँ और साथ ही साथ में आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले जानेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाएगा, उनके रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल सब कुछ मेंशन होता है इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में. और ये बेसिकली हेल्प करती है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज किस काम के लिए, किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को शेप करने में. ठीक है, नाउ अभी हम बात करें तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो कि अनाउंस हुई थी जुलाई 1991 में, इसने बेसिकली जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको फ्री किया. और जो लिबरलाइजेशन के मेजर इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे 1991 में, और 1980 से एक्चुअली स्टार्ट हो चुके थे, 1991 में काफी ज्यादा लेवल पर हमें लिबरलाइजेशन के स्टेप्स लेने पड़े, तो उनको ट्रैक पर लेकर आने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया गया. अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉलिसी के, लेट्स टॉक अबाउट. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड एंड डेवलप फ्यूचर इंडस्ट्रीज ऑन गेन्स ऑलरेडी मेड. तो जो हमारी प्रीवियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उन्होंने काफी सपोर्ट करा इंडस्ट्रीज को. ठीक है, तो जो भी हमने गेन्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश की हुई हैं, उनसे जो बेनिफिट्स हमने रीप किए हैं, उनको बिल्ड करना और डेवलप करना और फ्यूचर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना. देखिए आगे कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, ग्लोबल कंपटीशन अभी तक आ चुका है और ज्यादा कंपटीशन आएगा, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस कॉम्पिटिशन को बियर करने लायक बन पाए. तो इसीलिए आपको फर्दर स्टेप्स लेनी थी जो कि इस 1991 पॉलिसी में मेंशन था. ये इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था. नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू करेक्ट रॉन्ग चेंजेस एंड वीकनेसेस दैट माइट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. तो देखिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं. तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपका एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जो भी हमारे इनकरेक्ट चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जो भी वीकनेसेस हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्ट्रक्चर में, उसको आप करेक्ट करोगे, उसको सही करोगे. अब देखिए धीरे 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 वीकनेसेस आती हैं, कुछ प्रोसीजर्स इनकरेक्ट फॉलो होते हैं, उनको करेक्ट करना भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया. और थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में ये भी ध्यान में रखा गया कि जो ग्रोथ हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की, यानी कि जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो वो सस्टेन्ड हो, मेंटेन रहे. अभी इससे पहले जो ग्रोथ थी काफी फ्लक्चुएटिंग थी, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है. तो इस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना, एक सस्टेन ग्रोथ प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को, साथ ही साथ क्या है एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेवल प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज में, ये भी आपका क्या है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था. नाउ फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है,
इस पर्टिकुलर पॉलिसी का, वो था टू अचीव इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस। जैसा आपको बताया एलपीजी पॉलिसीज 1991 में आपकी इंप्लीमेंट हो चुकी थी, तो अब ग्लोबल कॉम्पिटिशन हमारी इकोनॉमी को फेस करना था। इंडिया ने कभी भी ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडिपेंडेंस के बाद फेस नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर हम क्लोज इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, हम बाहर की कंपनीज को एस्टैब्लिश ही नहीं होने दे रहे थे अपने कंट्री में। ठीक है, तो अब उनको फेस करना था ग्लोबल कॉम्पिटिशन, तो इसीलिए इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बनाना जरूरी था। तो उसको किस तरीके से अचीव करा जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का। तो आई होप अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप क्लियर होंगे। चार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के, तो ये चारों ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो दैट प्लीज मेक श्योर दैट वी डू अंडरस्टैंड इट, सो दैट वी कैन राइट आवर आंसर। नाउ बात करेंगे हम सैलिएंट फीचर्स की, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था या यूनिट अपनी सेटअप करना चाहता था तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। ठीक है, उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उस लाइसेंसिंग सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल रीजंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हजार्डियस नेचर। कंपल्सरी लाइसेंसिंग वॉज लिमिटेड टू ओनली सिक्स इंडस्ट्रीज, दीज आर एल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डियस केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एक्सेप्टिंग बल्क ड्रग इंडस्ट्री विच हैज बीन डी लाइसेंस एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच हैव बीन डी लाइसेंस्ड। ठीक है, तो जैसा आपको बताया बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी जिनको अलाउ किया गया बिना लाइसेंस के आपके जो इंडस्ट्रीज है सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपके जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज थी जहां पर अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी या स्ट्रेटजी से रिलेटेड, हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो, या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि हजार्डियस नेचर, डेंजरस नेचर के प्रोडक्ट से डील करती है, जैसे कि एटॉमिक आपकी एनर्जी हो गई। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया बेसिकली, तो ऐसे, और जो बहुत ही हजार्डियस केमिकल्स होते हैं तो उसके लिए भी आपका प्राइवेट सेक्टर को क्या था, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है अगर वो उसमें काम करना चाहते हैं। वैसे मोस्टली तो लाइसेंस नहीं दिए जाते क्योंकि ये आपकी इस इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में मोनोपोली अभी भी गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो सिक्स इंडस्ट्रीज थी जिनमें अगर आपका किसी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट को अपना सेटअप करना है तो उसको, उसके लिए आपका लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता उन पर्टिकुलर सिक्स इंडस्ट्रीज में आप अपनी यूनिट सेटअप नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर वाली, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें आपका फ्रीडम दिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि आप बिना लाइसेंस के भी अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो। और सिक्स इंडस्ट्रीज जहां पर आपका लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी वो थी अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, अल्कोहल को बनाना बेचना इसके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है आपकी, और सिगरेट्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जितने भी हजार्डस केमिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अगर यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाना लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस से रिलेटेड है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो वो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स जो कि आपके हजार्डस हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, उसके लिए भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो और इसके अलावा लास्ट हमारे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव वगैरह के लिए भी आपका जो हमारे को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला था अबॉलिश कर दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। नाउ सेकेंड हमारा जो सैलियंट फीचर है इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का, वो है डाइल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल। तो जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 थी उसमें पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को काम करना पड़ता था पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग, तो पब्लिक सेक्टर का रोल काफी क्रूशियल था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में।
बट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में उस रोल को बिल्कुल कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया. सो द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हैड रिजर्व 17 इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर. द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिड्यूस दिस नंबर टू 8. ठीक है, तो 1956 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए थी, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ही या सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता था. बट 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस नंबर को रिड्यूस करके 8 कर दिया गया. इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 मोर इंडस्ट्रीज वर डिलीटेड फ्रॉम द रिजर्व लिस्ट. तो उसके बाद में 5 और आपकी जो इंडस्ट्रीज थी आउट ऑफ दीज 8, उनको भी डिलीट कर दिया गया रिजर्व लिस्ट में से. अब यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज छोड़ के बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है. ठीक है, तो 3 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. अब कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिजर्व हैं, अभी भी उनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मोनोपोली है, वो है एटॉमिक एनर्जी, मिनरल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एटॉमिक एनर्जी 1953 एंड रेल ट्रांसपोर्ट. तो 3 जगह अभी भी जहां पर प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली है, सॉरी पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली एंड प्राइवेट सेक्टर आपका अभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है, now next point says the enterprises in the public sector have been provided a greater degree of management autonomy. The government is reducing its stake in public enterprises through divesting part of its shareholding. Over the period 1991 to 92 to 2002, the government raised itne crore through disinvestment. So this is not that much important, but yes, जो आगे के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, they are trying to say कि जो private sector था उसको आपका अपने अकॉर्डिंग काम करने का फ्रीडम मिला, मतलब अब बाउंडेशंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी फॉलो करने हैं. ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके गवर्नमेंट के उनको फॉलो करना है, लेकिन आप अपना बिजनेस अपने तरीके से कर सकते हो. और जो गवर्नमेंट आपकी एंटरप्राइजेस थी उन्होंने अपना जो स्टेक है, अपने जो शेयर्स हैं वो बेचना शुरू करा, डाइवेस्ट करा, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दी गई उन पर्टिकुलर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको सेल करके, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इकोनॉमी में. नाउ थर्ड फीचर की बात करेंगे. थर्ड फीचर है स्क्रैपिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एमआरटीपी अंडरटेकिंग. ठीक है, एमआरटीपी अंडरटेकिंग क्या है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडरटेकिंग. तो ऐसी अंडरटेकिंग्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर आपकी एक तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश होती है. जैसे देखिए, मैं अगर पेट्रोलियम की बात करूं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है. तो अगर पेट्रोल वगैरह की बात करूं तो यहां पर आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी, बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज मिलेंगी जो कि डील कर रही हैं इन प्रोडक्ट्स में. तो जो एमआरटीपी अंडरटेकिंग्स है, यानी कि वो जो मोनोपोली या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं, उन पे पहले लिमिट सेट थी कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एसेट नहीं रख सकते अपने साथ में, अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा. तो उस लिमिट को क्या कर दिया गया? स्क्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. जो थ्रेशहोल्ड रखा गया था लिमिट पर एसेट के एमआरटीपी अंडरटेकिंग्स के केस में, उसको खत्म कर दिया गया. ठीक है, हमने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया. अबॉलिशन यहाँ पे भी हुआ, अबॉलिशन ऑफ द थ्रेशहोल्ड ऑफ limit of asset in respect of MRTP undertakings. Now under the MRTP Act, all firms having assets valuing a specified amount were characterized as MRTP firm. These firms were permitted to enter selected industries only. The government committed to neoliberalized policy and had no difficulty in permitting these enterprises to grow and diversify their activities, even if it led to industrial concentration. The new industrial policy therefore dropped the concept of MRTP firm. So, देखिए अब MRTP क्या है? मान लीजिए कोई एक particular इंडस्ट्री है जो कि ग्रो नहीं कर पा रही, और एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ग्रो कर रही है. ठीक है, एक इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो कर रही है, बहुत कर रही है, और आगे भी उसका पोटेंशियल है ग्रो करने का. लेकिन जो हमारी एमआरटीपी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है कि एक इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं करेगी, इक्वल एंड स्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना जरूरी है. तो जो इंडस्ट्री का पोटेंशियल है आगे और ग्रो करने का, उसको रोक दिया जाता था. तो एमआरटीपी एक्ट में ऐसा ही होता था. एमआरटीपी में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि अपना पावर का कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, या जिसपे बहुत ज्यादा एक मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो उसको लिमिट कर दिया जाता था, उसकी एक्टिविटीज को लिमिट करवा दिया जाता था.
तो जो एक पर्टिकुलर एसेट उसको अलाउ किया जाता था, अगर उस लिमिट से ज्यादा एसेट होता है तो उसको एमआरटीपी फर्म में आपका इंक्लूड कर दिया जाता था, और सिर्फ वो सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही अपना क्या कर सकती थी, वर्क कर सकती थी। जो भी एमआरटीपी फर्म्स थी वो क्या कर सकती थी, उनको अलाउड था सिर्फ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में काम करना। बट जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसने जो एमआरटीपी फर्म का कॉन्सेप्ट था वही खत्म कर दिया, ठीक है। इट एंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरटीपी फर्म, और जो आपकी एंटरप्राइजेस थी जिनके पास पोटेंशियल था आगे ग्रो करने का, उनको अलाउ किया गया कि वो जितना हो सके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करें, फिर चाहे उससे मोनोपोली ही क्रिएट क्यों ना हो, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करें। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसा होना चाहिए, फेयर तरीके से, फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करके। अगर वो अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा तो आपकी अगेन एक्शंस लिए जाएंगे, और कंपटीशन एक्ट 2002 तो है ही, अगर कोई और बेसिकली इंडिविजुअल या इंडस्ट्री अपनी सेटअप करना चाहता है तो कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्री एंड लिबरल एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए 1991 से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी होता था उस पर कई सारे आपके लॉज थे बने हुए, तो फ्रीडम नहीं था, लिबरल एंट्री नहीं थी बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की। बट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फ्री एंड लिबरल एंट्री दिलाई गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो अनेक्षर 3 अपेंडेड टू द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज वेर एन ऑटोमेटिक परमिशन इज मेड अवेलेबल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% फॉरेन इक्विटी। तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि बेसिकली हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाई गई हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की, और वहां पर ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई आपकी किसकी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और कितने परसेंट तक, 51% तक आपका जो इक्विटी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आप कर सकते हो विदाउट एनी अप्रूवल। उससे ज्यादा आपको कराना है तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी, बट 51% तक हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रायोरिटी जो इंडस्ट्रीज की लिस्ट प्रिपेयर की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, तो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% वॉज अलाउड फ्रीली। उसके ऊपर आपका क्या है, उसके ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट अनाउंस गाइडलाइन फॉर एक्सपीडियस अप्रूवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एरियाज नॉट कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल। अब उन एरियाज में जहां पर बेसिकली ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं था, जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी जो हमारा प्रोसीजर था अप्रूवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसको फास्ट किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग 1999 टू 2000 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट ऑल इंडस्ट्रीज अंडर द ऑटोमेटिक राउट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनआरआई और एंड ओसीबी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नेगेटिव लिस्ट। द मेन एम ऑफ द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इज टू फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कोर एंड प्रायोरिटी सेक्टर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड लिंकेज विद एग्रो एंड फार्म सेक्टर्स, ठीक है। तो 1991 की पॉलिसी में तो आपका बहुत कुछ क्लियर था कि कुछ आपकी लिस्ट बनाई गई इंडस्ट्रीज की जो कि हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में आती हैं। 1999 और 2000 में तो गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट क्या कर दी, आपकी फ्री कर दी, जिनमें आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोमेटिक प्रोसीजर से अलाउड था, यानी 51% तक आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी सब में फ्रीडम था। और मेन एम यही था आपकी इस पॉलिसी इनिशिएटिव का कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हो, हमारे जो इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी सेक्टर है उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट हो ताकि वो अपॉर्चुनिटीज देख सके कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को ग्रोथ का एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर उनको भी इनसे लिंक किया गया, उनको भी यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया गया। नाउ हमारा फिफ्थ साइलेंट फीचर है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या था, अगर 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करूं तो वहां पर बैकवर्ड रीजन्स में जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप करेगा तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रही थी। अब वहां पर कुछ केसेस में बाउंडेशन भी क्रिएट करी गई कि आप बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, तो उससे काफी प्रॉब्लम होती थी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपका इस पर्टिकुलर पॉलिसी को भी लिबरलाइज कर दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब जो भी आपकी
इंडस्ट्री है वो कहीं भी आपकी इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर सकती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। तो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने खत्म कर दिया इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, अब यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल यूनिट कोई भी सिटी में सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपकी रिक्वायर्ड नहीं होगी, और जो आपके इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग वगैरह हैं अगर रिक्वायर्ड है तो सिर्फ उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल बेसिकली आपकी रिक्वायर्ड नहीं है उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करने के लिए वहाँ, वो लोकेशंस पर, वो सिटीज में जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से लेस है, ठीक है। तो वहां पर आपकी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, बट कंपलसरी जो लाइसेंसिंग है वो चाहिए। नाउ इंडस्ट्रीज अदर देन दोज ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग नेचर कुड बी लोकेटेड आउटसाइड 25 किलोमीटर्स ऑफ पेरीफेरी ऑफ द सिटीज विद 1 मिलियन पॉपुलेशन और मोर। और इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग नेचर की है, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करेंगी ज्यादा, तो उनको लोकेट आप कर सकते हो लगभग 25 किलोमीटर बाहर कोई भी पर्टिकुलर सिटी से। और वो सिटीज की बात करो जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 लाख से ज्यादा की अगर पॉपुलेशन है तो वहां पर आपको 25 किलोमीटर का एरिया छोड़ के आप अपना जो इंडस्ट्री है कहीं भी सेटअप कर सकते हो। तो इसको लिबरलाइज किया गया, तो लिबरलाइज कर दिया हमने, खत्म कर दिया इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को। नाउ सिक्स हमारा सैलियंट फीचर है अबॉलिशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नए नए प्रोजेक्ट के लिए क्या था, फेजेस में आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाने का एक एक प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। फेजेस में अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड करेंगे एक साथ। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को लॉन्च करना नहीं होता, तो कोई भी नए प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, पार्ट में उस प्रोग्राम को लेकर आते थे, लेकिन अब इसको भी अबॉलिश कर दिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। कोई भी चेंजेस लाएंगे आप चाहें तो उसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करें, फेजेस में लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम वॉज मेंट टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। अंडर दिस सिस्टम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट वर एनफोर्स्ड ऑन अ केस बाय केस एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अबॉलिश द फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स बिकॉज द गवर्नमेंट फेल्ट दैट दिस सिस्टम वॉज इन कंफ्लिक्ट विद द लिबरलाइजेशन पॉलिसी विच इट हैड डिसाइडेड टू परस्यू। हाउएवर इंसेंटिव्स दैट वर प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद द प्रिवेलिंग फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स वर कंटिन्यूड। तो हमारी जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाली थी, तो उसने अबॉलिश कर दिया फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉलिसी थी, ये प्रोग्राम जो थे वो कंफ्लिक्ट में थे आपकी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी में ये था कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसको एक लिमिटेड सपोर्ट ही मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो खुद डेवलप कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ही देती रहेगी। तो जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम उसके कंफ्लिक्ट में था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलते थे, तो उन इंसेंटिव्स को कंटिन्यूड रखा गया, एकदम से खत्म नहीं किया गया, अदरवाइज इट कुड गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। नाउ हमारा सेवेंथ सेलियंट फीचर है, दैट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज, ठीक है। एक आपका कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज था जो कि प्रीवियस हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंडेट था, लेकिन उसको भी अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इनएबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, दे डिपेंड इन अ बिग वे ऑन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स फॉलोड अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इन दर एग्रीमेंट विद द बोरोइंग फर्म्स। दिस क्लॉज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ देयर लोन इनटू इक्विटी इफ देयर मैनेजमेंट कंसीडर्ड इज इट नेसेसरी। तो गाइस जो कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज था इसमें क्या होता था, देखिए जो प्राइवेट कंपनीज होती थी अगर वो इंडस्ट्री सेटअप करती थी तो बहुत सारा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब जो कैपिटल मार्केट होता था वहां से तो वो फंड्स रेज नहीं कर पाते थे, वो अनेबल होते थे इतना फंड रेज करने के लिए, तो उनको डिपेंड होना पड़ता था बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती थी इंक्लूडिंग बैंक्स, वो क्या करती थी, एक प्रैक्टिस को फॉलो करती थी जिसमें वो एक एग्रीमेंट साइन करवाती थी उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से जो कि बोरो करेगी आपका फंड, जिसको एग्रीमेंट में क्लॉज होता था जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज।
इसमें आपका क्या होता है इस क्लॉज में कि जो आपकी लोन है उसको बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो आप बेसिकली किसमें, इक्विटी शेयर्स में। आपकी कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि बेसिकली ओनरशिप होती है आपकी कंपनी की, इन केस अगर आप चाहें तो उसका कुछ परसेंट लोन का आप इक्विटी शेयर के तौर पर दे सकते हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब ये चाहे इन केस आप पे कर पाओ या ना कर पाओ, या नॉर्मली आप अगर डिले करते हो उस केस में आपका ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर शेयर जो है उस बैंक का या फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो जाएगा। अगर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को लगता है कि ऐसा करवा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, पहली बात, दूसरी रिस्क है थोड़ा सा कि हमारा जो लोन है वो शायद ही प्रीपे ना कर पाए टाइमली, तो ऐसे केस में वो कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज को ऐड करा लेते थे जिससे उनका जो लोन का पार्ट होता था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कराया जा सकता था। अब ये फोर्स था, चाहे आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो कराना चाहे ना चाहे, ये फोर्सफुली कराया जाता था। अभी अगर हम बात करें तो जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी तो उन्होंने ये बेसिकली क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंपनीज होती थी उनको एक डर रहता था कि कहीं टेक ओवर ना कर लिया जाए उनकी फर्म को, उनकी यूनिट को बाय दोज पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, काफी ज्यादा पैसा है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो ऐसे थ्रेट और टेक ओवर के डर से कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती थी जो कि इम्पैक्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज को। तो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने ये वाली जो मैंडेटरी क्लॉज थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर फर्म जो है वो अगर चाहती है तो देन दिस क्लॉज कैन बी एडेड, अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेट, इट इज नॉट मैंडेटरी नाउ। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया, हमारा जो मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज था जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक पुट करती थी प्राइवेट कंपनीज जब भी उनसे लोन लेती थी उस पर। सो गाइस नाउ बात करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल या फिर क्रिटिसिज्म की जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, और इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में बोला जाता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो डिक्रीज हुई और साथ ही साथ में जो परफॉर्मेंस थी, कैपिटल गुड सेक्टर की वो भी डिक्लाइन हुई। तो डिक्लाइन हुआ आपका इन दोनों में, डिक्लाइन हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ में एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल गुड सेक्टर। ठीक है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल की जो पॉइंट हमारे पास है। सो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज डिक्लाइन फ्रॉम 7.8% पर एनम ड्यूरिंग द 1980s टू 6.6% पर एनम ड्यूरिंग द 1990s। मोर ओवर द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन वेरी मच इरेटिक सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैपिटल गुड सेक्टर हैज बीन पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटिंग ओवर द पास्ट वन डिकेड टू। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ थी जो कि ऑलरेडी काफी फ्लक्चुएट हो रही थी 1990 तक, जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अनाउंस किया गया, ठीक है, व्हेन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, और हमारी जो ग्रोथ थी उसका रेट और ड्रामेटिक हो गया, और जो परफॉर्मेंस थी हमारी कैपिटल गुड सेक्टर की वो और डिसअपॉइंटिंग हो गई इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से। ठीक है, अभी अनाउंस ही हुआ था उसी में था, क्या चेंजेस हुआ दैट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। सेकेंड जो पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म का वो है बेसिकली जो कंज्यूमर गुड सेक्टर था, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स का हमारा सेक्टर था, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर वो ग्रो हुआ ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस था इस पॉलिसी में, तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कंज्यूमर गुड्स का जो सेक्टर था वो तो ग्रो हुआ काफी, बट जो कैपिटल गुड्स का सेक्टर था, ठीक है, कैपिटल गुड्स सेक्टर जो था उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइंड हो गई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेकंड क्रिटिसिज्म है कि कंज्यूमर गुड सेक्टर को तो ग्रो कर दिया क्योंकि कंज्यूमर पे करेंगे आपका पैसा, प्राइवेट कंपनी तो बस पैसा ही अर्न करना चाहती है, लेकिन कैपिटल गुड्स जो कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को ग्रो करने में किसी ने ध्यान नहीं दिया, राइट।
right? So significant distortions have cropped up in the industrial sector as a result of the implementation of the new industrial policy. Emphasis on privatization has led to a rapid growth in the durable consumer goods sector, but the rate of growth of capital goods industries has decreased from 9.4% per annum during the year 1980s to only 5.4% per annum during the 1990s. ठीक है, तो जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो परफॉर्मेंस थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की उस पर काफी फ्लक्चुएशन तो आया ही आया. प्राइवेटाइजेशन की वजह से ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर तो ग्रो करा, लेकिन जो ग्रोथ था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का वो घट गया 9.4% जो कि 1980s में था. 1990s तक आते आते वो 5.4% रह गया और उसके बाद और रिड्यूस हो गया. नाउ थर्ड जो हमारा क्रिटिसिज्म आता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए वो आता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी से जो MNCs थी उनको बेनिफिट मिला. ठीक है, MNCs को बेनिफिट मिला और उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा इंडियन मार्केट. जो ये पॉलिसी थी इतनी सपोर्टिव थी MNCs के लिए कि उनको बेनिफिट मिला और उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और जो इंडियन एंटरप्राइजेस थी suffered from this policy. Actually, उनको सफर करना पड़ा इस पॉलिसी से. ठीक है, तो इस पॉलिसी से इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को सफर करना पड़ा और MNCs को बेनिफिट मिला क्योंकि उनके पास काफी इन्वेस्टमेंट था, पैसा था, ग्लोबल आपका कॉम्पिटेटिवनेस थी और इंडियन इंडस्ट्रीज अभी प्रिपेयर नहीं थी. So the new industrial policy has provided extensive opportunities to the MNCs to capture Indian market. The Indian industrial enterprises suffer from size disadvantages as they are too small in comparison with MNCs. Moreover, once foreign capital has free entry, the distinction between high priority and low priority industries disappear and there is a possibility that all lines of production may be opened to foreign investment. So yahan par wahi hua कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज मिली MNCs को और इससे उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया. अब इंडियन जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थी उनका साइज काफी स्मॉल था, साइज डिसएडवांटेज था, टू स्मॉल थे और वो टक्कर नहीं ले सकते थे MNCs के साथ में. इसके अलावा फॉरेन कैपिटल को जो फ्री मूवमेंट मिला तो इससे जो हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि जहां पर आपका पहले हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज होती थी वहां पर पैसा उन्होंने डाल दिया. अब उसके बाद तो एक टाइम ऐसा आया कि सभी सेक्टर्स के लिए फ्री कर दिया गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इससे क्या हुआ, ज्यादा फ्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन करने से भी कहीं ना कहीं MNCs को मौका मिला कि जितने भी एरियाज कैप्चर कर सकते हो उसको कैप्चर कर लें. नाउ फोर्थ हमारा जो क्रिटिसिज्म है, लेट्स टॉक अबाउट, एंड फोर्थ क्रिटिसिज्म इज बेसिकली ये था कि जो MNCs है, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो MNCs हैं ये बेसिकली ऑपरेट करती हैं एज अ ट्रेडिंग फर्म, ऑपरेटिंग एज ट्रेडिंग फर्म. MNCs जो ऑपरेट करती हैं वो ट्रेडिंग फर्म के तौर पर करती हैं एंड नॉट एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के तौर पर तो नहीं काम करती और ना ही एक्सपोर्टिंग यूनिट्स के तौर पर काम करती हैं. इससे क्या होता है, अब ये जो एक्टिविटीज है इट लेड द कंट्री टू डेब्ट ट्रैप. अब पैसा ले रहे हैं हम सिर्फ और वो कुछ कर नहीं रहे हैं. ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और हमारी कंट्री को डेब्ट ट्रैप में लेकर जा रही हैं. ठीक है, नाउ द फेथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज मिसप्लेस्ड एज येट देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट मार्केट डिस्पाइट वेरियस इंसेंटिव्स द MNCs हैव ऑपरेटेड एज ट्रेडिंग कंसर्न रादर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंसर्न. बिसाइड्स एक्सेसिव फ्रीडम टू फॉरेन कैपिटल में अल्टीमेटली अफेक्ट आर इकोनॉमी सोवरेनिटी एंड पुश द कंट्री इन टू अ डेब्ट ट्रैप. तो MNCs जो है हमारी क्या कर रही है, एज अ ट्रेडिंग फर्म के तौर पर काम कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं करती, वो सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करती हैं और उस कैपिटल के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं. एक्सपोर्ट इंप्रूव करने में भी वो हेल्प ज्यादा नहीं करती MNCs. तो इस तरीके से क्या है, जो हमारे
फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम और एक्सेसिव डिपेंडेंस है फॉरेन कैपिटल पर, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजरस है और हमारी कंट्री को डेब्ट ट्रैप में लेके जा सकती है. दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म व्हिच इज फेस्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, लेट्स डिस्कस दैट. एंड लास्ट हमारा क्रिटिसिज्म जो है इसमें आपका है कि इसने जो वर्कर्स की हार्डशिप है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया है. इंक्रीज्ड हार्डशिप और डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स ऑफ वर्कर्स, तो जो वर्कर्स की डिफिकल्टी है और वो बढ़ गई है. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, नो सिस्टम एस्टेब्लिश्ड टू रिजॉल्व इट. हमारी जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने तो भी कंसीडर किया था कि वर्कर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स के लिए कोई आपका फोकस नहीं दिया गया. तो फॉरेन टेक्नोलॉजी इज बाय एंड लार्ज कैपिटल इंटेंसिव, इट्स इम्पैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद लार्ज मैन पावर रिसोर्सेज इन द कंट्री, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज ओवरलुक्ड हार्डशिप ऑफ वर्कर्स who are likely to be adversely affected and no social security mechanism has been created to mitigate it. तो जो foreign capital है, foreign technology है जिसको लाया जा रहा है country के अंदर, वो हमारी जो country जिसकी population लगभग 140 करोड़ है उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो foreign technology है और foreign capital आते हैं MNCs को establish करने के लिए, वो सभी capital intensive आपकी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव रखते हैं, लेबर इंटेंसिव नहीं है. लेकिन हमारी कंट्री को ऐसी इंडस्ट्रीज की जरूरत है जो कि आपकी लेबर इंटेंसिव हो एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव. और ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन आपकी कंपनीज आई, इन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करा मैन पावर जो रिसोर्सेज थी इंडिया की उस पर. और इससे हमारी जो वर्कर्स थे, जो हमारे एम्प्लॉयज थे, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब एक मशीन को लाके आप 100 वर्कर्स को रिप्लेस कर दे रहे हो. तो आप खुद सोचो, ये बड़ी कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां तो अच्छी है, हमारी कंट्री में जो कि एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है वहां पर ये नहीं चलेगा. वहां पर वर्कर्स को जॉब मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू पुट एक्सपेंसिव मशीन एंड फैक्चर. तो इससे क्या हुआ, हमारी जो एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, काफी अफेक्ट हुए. और गवर्नमेंट ने भी कोई भी सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर कोई भी ऐसी प्रोग्राम को लॉन्च नहीं किया जिससे उन एम्प्लॉयज या वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. तो हमारी कंट्री में अभी भी कुछ नहीं किया जा रहा है. इफ आई टॉक अबाउट, जैसा चल रहा है चलने दो. ना तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है कोई भी, ठीक है, जैसा कि फॉरेन कंट्रीज में होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं इन केस अगर कोई वर्कर को काम नहीं मिल पाता. लेकिन हियर इन आर कंट्री देयर इज नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू बी हंग्री, यू हैव टू बी इन प्रॉब्लम, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ में आए होंगे. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स.